बताई जा रही है। बूथ संख्या 190 पर आधे घंटे से वोटिंग बाधित है। खाना खाने गए हैं चुनाव अधिकारी, ये बड़ी खबर। वोटिंग रोक कर खाना खाना जाने पर अब सवाल उठने लगे हैं कि वोटिंग बाधित होने से लोगों के अंदर भारी नाराजगी और गुस्सा। गर्मी में परेशान वोटर जो हैं वो बिना वोट दिए ही लौट रहे हैं। चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि अब तक पानी नहीं मिला, बिना पानी के आखिर काम कैसे किया जाएगा। और ये परेशानी एक अलग इन अधिकारियों के सामने जो कि चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए हैं, लोगों की अपनी परेशानी कि वो अपने तमाम दूसरे कार्यों को छोड़कर पहले वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, लेकिन चूंकि अधिकारी नहीं है इस वजह से इन्हें यहां से लौटना पड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गया से, जहां पर एक बूथ पर वोटिंग बाधित है। तकरीबन आधे घंटे का वक्त जब वोटिंग यहां पर रुकी हुई है, बूथ संख्या 190 और खाना खाने के लिए चुनाव अधिकारी जो हैं वो निकल गए हैं। वोटिंग रोककर खाना खाने जाने पर हालांकि सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये किस तरह के इंतजाम और व्यवस्था है। हालांकि ये पहली ऐसी खबर आ रही है गया से जहां पर अधिकारी जो हैं वो खुद भी कह रहे हैं कि भाई पानी पीने तक का इंतजाम नहीं है। गया से ही एक और बड़ी खबर, शांतिपूर्ण माहौल में वोटिंग इस वक्त जारी है। जिले के SSP आशीष भारती ने गया कॉलेज की बूथ संख्या 180 पर वोट डाला। साथ ही आम लोगों से भी अपील करते नजर आए कि भाई आप ही जाइए, अपने वोट को कास्ट कीजिए। चुनाव के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा भी उनकी तरफ से दिलाया गया। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल में मतदान चल रहा है और अभी मैंने भी अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग किया है और मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। यह जो एक ना सिर्फ अधिकार है बल्कि एक हमारी जवाबदेही भी है, एक जो इस लोकतंत्र के प्रति, कि हम लोग इसको अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। गया पुलिस के द्वारा सुरक्षा का पूरा की पूरी व्यवस्था की गई है और गया प्रशासन के द्वारा सुविधा के लिए का पूरा ख्याल रखा गया है। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के नाम पत्र लिखा है। जी हां, मां के अपमान वाले करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग चिराग पासवान की तरफ से की गई है इस पत्र के जरिए, जिसे उन्होंने तेजस्वी यादव को लिखा है। और जरा इस पत्र को भी देख लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की तरफ से ये पत्र जो है वो लिखा गया है तेजस्वी यादव को। चिराग पासवान लिखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने कभी ये जो तस्वीर है, ये जो पत्र है इसे आप देख भी पा रहे होंगे, जिसे उनकी तरफ से लिखा गया है तेजस्वी यादव को। और ये मांग की गई है कि भाई इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने वाले लोगों पर, ऐसे लोग जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एक ऐसा मैसेज जरूर जाना चाहिए कि भाई आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे आप किसी के भी समर्थक हो, कहीं पर भी मौजूद हो, और किसी भी शब्द का इस्तेमाल करना सोच समझ कर करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, जिसमें चिराग पासवान जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रिय श्री तेजस्वी यादव जी, देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव की तैयारी एक तरफ है, लेकिन इन तैयारियों के बीच जो शब्द का इस्तेमाल किया गया वो अनुचित है, और ये सीधे तौर पर अनुचित है, गलत है, और ये नहीं होना चाहिए, उनकी तरफ से कहा गया इस पत्र के जरिए। वहीं LJPR के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में हो रहे चुनाव में NDA की बड़ी जीत हो रही है और देश में पहले चरण के 102 लोकसभा सीटों पर यही हाल आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि NDA जहां एकजुट है वहीं विपक्षी गठबंधन जो है बिखरा हुआ नजर आता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव के लिए नतीजे चौंकाने वाले तो जरूर होंगे और वे एक सीट भी नहीं जीतने जा रहे हैं। वो तो अभी तक फुर्सत नहीं मिली आने की, पहले चरण का चुनाव हो गया, इनके वाम दलों के बड़े कोई नेता यहाँ पर नहीं आए, तो वो गंभीरता नहीं है। पहले चरण को लेकर कम से कम NDA अलायंस के घटक दलों में वो गंभीरता नहीं थी, और गंभीरता का अभाव और लापरवाही और जिस तरीके से हुड़दंग और दबंगई ये लोग दिखा रहे हैं चुनाव के दौरान, इसका पूरा का पूरा नुकसान इन लोगों को बिहार में 40 की 40 सीटों पर कह रहे हैं कि चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, क्योंकि पिछली बार गठबंधन में एक सीट ये लोग जीत लिए थे, इस बार वो भी हारेंगे। तो बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जो है सुबह 7 बजे से हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि हम चारों सीट जीतने जा रहे हैं, मौजूदा सरकार से लोग जो है वो नाराज हैं, गुस्से में हैं। सीट जो है जीत रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है बढ़ चढ़ करके लोग जो हैं वोट दे रहे हैं, और मौजूदा सरकार से लोग जो हैं गुस्से में हैं,
और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हारे हैं। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। तो नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, दावे करने दीजिए, लेकिन आपका दायित्व है वोट करना। वोट करने के लिए घर से जरूर निकलिए। सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, देखिए अभी बात तो नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो दम है वो आज मतदाताओं को दिखाना है, क्योंकि आज जो बारी है वो मतदाताओं की है और उन्हीं मतदाताओं की बारी की खास तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और पहले चरण के मतदान की ताकत को आप देखिए, समझिए कि किस तरीके से वोटिंग जो है वो चल रही है। जयपुर राजस्थान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, महिलाएं जो है वो इंडिकेट करती हुई नजर आ रही कि हमने अपनी मजबूती के साथ अपनी ताकत का हमने इस्तेमाल कर लिया है, मतलब कि अपना वोट हमने कास्ट कर दिया है। उसके बाद से तस्वीर आपको दिखाते हैं बस्तर छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ जो नक्सलियों के लिए कहा जाता है कि काफी वो इलाका संवेदनशील है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीरें मिजोरम की सामने आई है, मिजोरम की तस्वीर देखिए, तो पूरा कह सकते हैं कि जो 21 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से खूबसूरत तस्वीरें